साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज और हम हैं देवेंद्र। आइए आज हम बात कर रहे हैं झांसी के ऐसे वरिष्ठ नेता से जो बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही तन मन धन के साथ खूब सेवा दी और इसके बाद हाल ही के अंदर समाजवादी पार्टी में ये उभर कर हमारे बीच में सीताराम कुशवाहा उभर कर आए हैं और समाजवादी पार्टी में निरंतर अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। आपको अवगत करा दें कि सीताराम कुशवाहा जी दो बार चुनावी मैदान में आए, हालांकि दूसरे नंबर पर रहे झांसी सीट से, और इस बार भी झांसी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं सीताराम कुशवाहा। जानते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर तीसरी बार चुनावी मैदान में झांसी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत जी नमस्कार। नमस्कार बहुत जी, कैसा रहा सफर आपका? इतना साल आपने बहुजन समाज पार्टी में सेवा दी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, कारण क्या था समाजवादी पार्टी में आने का? ऐसा है, मैं झांसी विधानसभा से सीताराम कुशवाहा, पूर्व में मैं बहुजन समाज पार्टी में 2011 में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी में यदि कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने काम किया, बहुजन समाज पार्टी में पार्टी का जनाधार बढ़ाया और दो बार पार्टी का आदेश हुआ तो मैंने चुनाव लड़ा 2011-2017, और दोनों बार मैं सेकंड नंबर पर रहा। जनता का अपार सहयोग मिला, जनता ने सहयोग किया, तभी मुझे इतना वोट मिला कि मैं दोनों बार बहुत बड़े कद का व्यक्ति जो इस झांसी का बहुत बड़ा पूंजीपति है और बहुत बड़ी उनके साथ सेना है, अब वो सेना जैसी भी है लेकिन उनके साथ है, उनसे मैंने मुकाबला किया और सीधे सीधे मुकाबले में मैं दोनों बार दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से मेरा मोह जब टूटा कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जनता पर अत्याचार, अनाचार, बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जब देश में चल रही थी, प्रदेश और देश की सरकार जनता के साथ गलत कर रही थी, तब मैंने कई बार बुंदेलखंड के अपने प्रभारी और उनके समकक्ष नेताओं से, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से ये कहा कि आप जनता की आवाज़ को उठाएं, हमारी ये सोच है कि हम जनता की लड़ाई लड़ें। हाथरस कांड में जब उस लड़की के साथ अन्याय हुआ तब हमने इनसे बहुत कहा, लेकिन ये लोग बिल्कुल कान में तेल डाले, इनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी और ये चुपचाप बैठे रहे। फिर तीन किसानों के विरुद्ध काले कानून आए जो किसानों के खिलाफ थे, और उस पर भी हमने अपने बहुजन समाज पार्टी के उस समय के पदाधिकारियों से ये कहा कि हम और आप चलें, और जिस तरह से और पार्टियां इस आवाज़ को उठा रही हैं और प्रशासन को और शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, तो हम उनकी लड़ाई में हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं और हमारी पार्टी की आवाज़ जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे नेताओं ने, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैंने एक बार 20 सितंबर को इन लोगों से कहा कि हमारे शहर में कांग्रेस पार्टी, उस समय में BSP में था, समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ को उठाकर यहाँ इलाही चौराहा पर झांसी में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रही थी, तो वहाँ हम लोग करीब 50-60 कार्यकर्ता थे, जिले की मंडल की बैठक चल रही थी, तो मैंने कहा कि हम लोग भी यहाँ से चलें, तो इन्होंने कहा हमें पुलिस रोक लेगी और उठा के बंद कर देगी। तो हमने कहा भाई जैसे और लोगों के और पार्टियों के साथ होगा वो हमारे साथ होगा, लेकिन हमें जनता की समस्याओं में भागीदारी तो करना पड़ेगी। लेकिन इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद एक वो गोरखपुर कांड होता है जिसमें व्यापारी को मार दिया जाता है, उसमें हम लोगों ने जब कहा तो इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब हमें लगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, अपने मिशन से भटक गई है, इनकी जनता से कोई भागीदारी नहीं है, जन समस्याओं से कोई भागीदारी नहीं है। तब हम
इनसे कहा तो एक बार हमारी इसी बात पर हमारे जो प्रदेश के और मंडल के पदाधिकारी हैं उन लोगों से थोड़ा सा वातावरण हुआ, मनमुटाव हुआ। तो हमने कहा फिर क्या बात है, क्यों हम इस पार्टी में रहें, भाई हमारी सोच तो हम राजनीति इसलिए कर रहे, हमारी व्यक्तिगत कोई सोच नहीं है, हमारी सोच है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता के कामों में आए, जनता के कामों को करें। जब इन्होंने तो हमने फिर मार्ग बदला और हम भैया समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन कर ली, और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम झांसी में काम कर रहे हैं। हमने अपना आवेदन किया है, अब पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी हम पार्टी का आदेश मानेंगे। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या पार्टी जिस व्यक्ति को, जिस साथी को, समाजवादी पार्टी के साथी को, जिसको भी टिकट देगी, जिसे चुनाव लड़ाएगी, मैं उनके साथ रहूंगी। अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो कौन सा मुद्दे को लेकर आप झांसी नगर में कार्य करोगे? देखो भैया, ऐसा है कि आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप हर व्यक्ति की बात को, हर जन समस्याओं को, किसी भी पार्टी की, कहीं सरकार हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं रहती है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन उसके बाद आज क्या हो रहा, हमारे झांसी को अगर ले लें तो झांसी में पहले तो बुंदेलखंड में सारे के सारे विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर झांसी का भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हम जब शहर की कुछ गलियों से, जो मुख्य गलियां हैं या जो फास्ट कॉलोनी है, उनको छोड़कर हम जब शहर के 75% क्षेत्र में जाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है कि ये झांसी तो और 50 साल पीछे चली गई विकास के रास्ते में। इतनी बुरी दुर्दशा है, सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये कहते हैं हर जल हर घर को नल से पानी मिलेगा। आज आप बड़े गांव के बाहर चले जाएं, बरसों से लोग जूझ रहे हैं वहाँ, ये आपके लक्ष्मी तालाब के बंद पर बड़ा गांव गेट के आदमी डब्बा और अपने अपने बर्तन लेके वहाँ से अपने घर के पीने के लिए पानी ले जाते हैं। आप अगर नैनागढ़, नगरा, महावीरनपुरा, कृष्णा नगर, गढ़िया गांव चले जाएं तो पानी की इतनी विकराल समस्या है कि लोग, आप दूर ना जाकर हमारे बाहर ओछा गेट में, कपूर टेकरी में चले जाएं तो आज भी पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि जब गर्मी में और इन दिनों में टैंकर आ रहे हैं, और गर्मियों में जब टैंकर आते हैं तो इतनी कि 4-6-10 जगह तो मुकदमे कायम हो जाते हैं। पानी की इतनी बड़ी विकराल समस्या है हमारे यहाँ, जहाँ आप बैठे हैं इस रोड पर जो गल्ला मंडी से लेके और लक्ष्मी गेट तक बनाया गया है, अगर इनकी नालियों को आप देख लें तो नालियों का कहीं कोई वो ही नहीं है कि पानी इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा। जब ये नालियां बन रही थी तो अजय इंक्लेव के लोगों ने, हम लोगों ने, कैलाश रेजिडेंसी के लोगों ने इसका विरोध किया, यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि भाई इस पानी का स्रोत कहाँ है, किस तरफ डाल रहे। तो जो ठेकेदार थे, ठेकेदार साहब का ये कहना था कि तुम यहाँ शिकायत कर दो, नगर निगम में शिकायत कर दो, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत कर आओ, लेकिन जो आपको करना हो आप स्वतंत्र हैं कर दें, किसी की नहीं सुनी गई। कॉलोनी के लोगों ने यहाँ उनको बुलाया, मेयर साहब कभी नहीं आए, नगर आयुक्त को बुलाया, चीफ इंजीनियर को बुलाया, उनसे भी कहा, लेकिन हमें लगा कि इनसे बड़े वो ठेकेदार हैं, क्योंकि सत्ता के सारे ठेकेदार थे यहाँ। आज आपने देखा होगा कि एक पंजाब में, खैर वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, पंजाब में परसों प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका गया तो इस पर कितना बवाल हो रहा, जबकि ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की सबसे पहले बनती है आईवी की, कि आईवी को ये जानकारी होना चाहिए कि इस रास्ते में क्या है। उस बात को इतना तूल दिया जा रहा है, आज पेपर भरे पड़े हैं उसी से। आप पीछे जाओ, हम उस समय राजनीति में नहीं थे जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और उनका कारवां जा रहा था, एक छात्र उस कारवां में कुचल के उसका अकाल मौत हो गई थी।
तो लोगों ने काले झंडे दिखाए थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी जब जहां दो तीन बार बिहार गई उनको काले झंडे दिखाए गए, तमिलनाडु गई उनको काले झंडे दिखाए गए, चूंकि मैं उस समय राजनीति में था। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं या जो जनता के सेवक हैं, जो अपने आप को आज शासक मानते हैं, जबकि कोई भी चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो वार्ड का मेंबर हो या प्रधान हो, वो जनता का सेवक होता है, ना कि शासक होता है। लेकिन इस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने आप को शासक मानते हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा है कि झांसी में क्या हो रहा। दो दिन पहले कल पेपर में था, आज पेपर में था। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी पार्टी से प्रत्याशी आए, साफ छवि का हो, उसके काम गंदे ना हो, जनता ऐसे व्यक्ति को चुने, ये हमारी सोच। कैमरामैन एलएस के साथ देवन कुमार संवाददाता देवनूज झांसी।